हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर मध्य रेलवे से आपकी जो है एक वैकेंसी निकाली गई है, गुड्स ट्रेन मैनेजर ग्रेड पे 2800 लेवल 5 के चयन के संबंध में, जो कि 15% सीमित विभागीय परीक्षाओं से होगी। आपकी इसी वैकेंसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि इसमें कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन पात्र हैं, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसके लिए शैक्षिक योग्यताएं क्या हैं और आपको कौन सी सावधानियां बरतनी होंगी इस फॉर्म को भरने के लिए। यह 16/5/2024 का प्रयागराज से आपकी जो है उत्तर मध्य रेलवे से आपका फॉर्म निकाला गया है, जिसमें आइए जानते हैं रिक्तियों की संख्या। सामान्य के लिए 151 पद हैं, SC के लिए 29 पद हैं और ST के लिए 12 पद आरक्षित किए गए हैं। कुल मिलाकर 192 पदों पर भर्ती होनी है। पात्रता की शर्तें जानते हैं। परिचालन एवं वाणिज्य विभाग के ग्रुप सी एवं ग्रुप डी के मिनिस्ट्रियल स्तंभ को छोड़कर पे मैट्रिक्स लेवल 1 से 4 तक के कर्मचारी, देखिए लेवल 5 पर वैकेंसी होनी है तो आपको 1 से 4 तक के कर्मचारी ही इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, इससे ऊपर के कर्मचारी इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। वेतनमान मांगना है तो 5200 से 20200 2800 लेवल 5 के लिए और जिनकी जो है इससे नीचे में 3 वर्ष की नियमित सेवा होना पूरी होना जरूरी है वह इसके लिए पात्र हैं और कर्मचारी की उम्र जो है 45 वर्ष से अधिक ना हो। अधिसूचना जारी होने की तिथि तक शैक्षिक नियुक्ता स्नातक उत्तीर्ण कर ली हो और A2 का मेडिकल हो, इसी तभी आप इसको इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं चयन का माध्यम। चयन का माध्यम रेलवे बोर्ड के लेटर के अनुसार प्रश्न पत्र 100% वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होगा। OMR सीट CVT पर आधारित होगी, यानी कि कुल अंकों का 10% राजभाषा भी होगा, यानी कि आपकी OMR सीट यानी कि आपका जो है ऑफलाइन पेपर होना है और ऑफलाइन ही आपकी 100% जो है वैकल्पिक जो क्वेश्चन रहते हैं आपके वही आएंगे। रेलवे बोर्ड लेटर के अनुसार LDC सहित सभी चयनों के प्रत्येक गलत उत्तर पर नकारात्मक जो है अंकन होगा, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप गलत उत्तर देते हैं तो आपका 1/3 जो है काट लिया जाएगा। लिखित परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। OMR सीट पर कटिंग ओवरराइटिंग, 1 से अधिक उत्तरों को चिन्हित करना, मिटाना, व्हाइटनर लगाना, OMR सीट में किसी प्रकार का फेरबदल स्वीकार नहीं होगा। अगर ऐसा किसी उत्तर के साथ आप करते हैं तो उसके लिए 0 अंक दिया जाएगा। भले ही आपका कटिंग के बाद आपका जो है उत्तर सही हो, फिर भी उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और 0 अंक दिया जाएगा। उक्त चयन हेतु कोई भी पूरक परीक्षा नहीं होगी, यानी कि अगर आप फेल होते हैं या कोई विवाद होता है आपका जो है दोबारा पेपर नहीं करवाया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और, जो SC ST से उम्मीदवार हैं उनको 3 से 4 सप्ताह की अवधि के लिए कोचिंग यानी कि जो ट्रेनिंग दी जाती है, पढ़ाई कराई जाती है, वो इसमें दी जाएगी। और उपरोक्त पद के चयन हेतु रनिंग कर्मचारियों को वेतन निर्धारण इस लेटर बोर्ड के रेलवे बोर्ड के लेटर के निर्देशानुसार किया जाएगा और उपरोक्त पात्रता रखने वाले कर्मचारी संलग्न आप प्रारूप पर आवेदन पत्र भरकर पर्यवेक्षक के समक्ष 14/6 तक जमा करेंगे। और यह मैं आगे बता रहा हूँ आपका प्रारूप कहाँ है, कैसे भरना है, वह भी मैं आगे बताऊँगा। तो यह महत्वपूर्ण निर्देश है। आवेदन करने वाले कर्मचारी को निर्देश कि वे अपने आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें, यानी कि आपको फोटोकॉपी निकालना है, उस पर अपना सिग्नेचर करना है और डेट डालनी है। आवेदन पत्र पर संलग्न फोटो को अपने वरिष्ठ अधीनस्थ से प्रमाणित कराएं, यानी कि आपकी जो फोटो है वो आपके जो रजिस्टर्ड ऑफिसर हैं उनसे आप मोहर लगा के उसको प्रमाणित करवा लें। सीधे प्राप्त आवेदन पत्र आपको जो है अपना फॉर्म सीधा नहीं जमा करना है, अपने ऑफिस में ही पहले देना है जो कि थ्रू चैनल जाएगा। प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियों के बिना अपूर्ण आवेदन पत्र को जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा और ना ही उन पर विचार किया जाएगा। तो आपको जो है प्रॉपर अपने ऑफिस में जमा करना है फॉर्म, इसके बाद ही आपको आगे की कार्रवाई करना है। यदि आपके नियंत्रण में कार्यरत कर्मचारी कहीं बाहर है तो उनको भी यह सूचना देना है। और इसके बाद जो है 15% सीमित विभागीय प्रत्यक्ष LDC की पदोन्नति कोना के द्वारा गुड स्टैंड मैनेजर पद हेतु आवेदन कराने की समय सीमा निम्नात है। तो आवेदन भर के आप आवेदन पत्र संबंधित पर्यवेक्षक के अधीनस्थ जमा करने की तिथि है 14 तक। आपको फॉर्म 14/6 तक आपको जमा करना है अपने जो जो आपके बाबू हैं, आप जिसके अधीन में काम करते हैं उनको, संबंधित शाखा में वह बाबू संबंधित शाखा में 19/6 तक हर हालत में इस फॉर्म को पहुंचा देंगे, ठीक है। इसके बाद कार्मिक शाखा में जो कार्मिक शाखा है आपकी DRM जिसे, वहाँ पर आपका 24/6 तक हर हालत में वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। इसके बाद पात्रता की सूची 5/7/2024 को
आपकी जारी की जाएगी कि जितने फॉर्म जमा हुए हैं यानी कि फॉर्म की छटनी होनी है। तो देखिए ये जो है 16/5/2024 के आपकी जो है वो है साइन है और यह इन लोगों को सबको प्रतिलिपि भेजी गई है। इसके बाद अब हम देखते हैं एनेक्सर ए के इस फॉर्म को भरना कैसे है। आप जो है यहाँ पर अपना फ़ोटो रिसेंटली खिंचा हुआ फ़ोटो लगाएंगे और उसको अपने जो है ऑफिसर से जो है वो करवाएंगे, अटैच करवाएंगे, इसके बाद ही आप इसको फॉर्म को जमा करेंगे। इसके बाद अपना कर्मचारी का नाम यहाँ लिखेंगे हिंदी में और इंग्लिश के कैपिटल लेटर में यहाँ पर लिखेंगे। पिता का नाम यहाँ लिखेंगे, वर्तमान पद आप जिस पोस्ट पर अभी काम कर रहे हैं वही लिखेंगे, वर्तमान लेवल लिखेंगे, स्टेशन किस स्टेशन पर काम कर रहे हैं वो लिखेंगे, आप अपना पीएफ नंबर, बिल यूनिट, HRMS ID, जन्म तिथि, प्रथम नियुक्ति एवं जिस पद पर आप प्रथम नियुक्ति आपकी हुई थी वह लिखेंगे, पदोन्नति अगर आपने ली है 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में, तो जितनी बार आपकी पदोन्नति हुई है वह यहाँ पर आप तिथि लिखेंगे और किस पद पर हुई है वह लिखेंगे आप इसमें। आयु लिखेंगे 1/5/2024 को कितने वर्ष के कितने माह और कितने दिन के हो चुके हैं, आप इसको बहुत ही अच्छे से कैलकुलेटर से निकाल के लिख दें। वर्तमान पद में नियमित रूप से कार्य करने की तिथि, आप जिस पद पर हैं उस पर कितने दिन हो गए हैं, आपको जो है कब से आप यहाँ पर जो है जिस पोस्ट पर हैं कब से इस पर काम कर रहे हैं। शैक्षिक योग्यता आप इसमें लिखेंगे और उन्हीं के प्रमाण पत्र को संलग्न करेंगे, यदि आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से हैं तो उसका प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे। नियुक्ति के समय उत्तीर्ण मेडिकल की कैटेगरी लिखेंगे, आप जब भर्ती हुए थे उस समय आपका मेडिकल कराया गया था उसकी कौन सी कैटेगरी थी वह यहाँ पर लिखेंगे और वर्तमान समय में मेडिकल की कैटेगरी आपकी क्या है वह यहाँ पर लिखेंगे। अन्य विवरण में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप या तो ITI या वगैरह जो भी आपकी अन्य विवरण है वह आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद यह घोषणा पत्र है, मैं घोषणा करता हूँ कि सत्य है मेरे विवरण सारे सत्य हैं, कोई असत्य विवरण होने पर मेरी पात्रता निरस्त कर मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आप अपना यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपके जो अधीनस्थ आपके यानी जिसके अधीन आप काम करते हैं आपके SSC वगैरह या जो भी हैं आप उनसे यहाँ पर आप हस्ताक्षर कराएंगे एवं यहाँ पर आप उनका जो है सील हो मोहर हो तो वह लगाएंगे और इसके बाद यह एरिया आपको खाली छोड़ना है। यह कार्मिक विभाग के लिए है और यह आपका फॉर्म भर गया। यदि आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है इस फॉर्म को लेकर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा और इसके बाद ही आप इस फॉर्म को भरें।